बागपति के सम्मान में, श्री राजपूत करणी सेना के आह्वान पर फिल्म पद्मावत को देश भर में बैन करने की मांग को लेकर आज करणी सेना के कार्यकर्ता सुबह से जिला मुख्यालय के बाजार को बंद कराते हुए नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने रैली का आयोजन कर नारेबाजी भी की। इस मौके पर श्री राजपूत करणी सेना के महासचिव दिलीप सिंह खिजूरी ने कहा कि सोमवार को सवाई माधोपुर बंद का आह्वान किया था, जिसके तहत मुख्य बाजारों के व्यापार मंडल से शांतिपूर्ण तरीके से बंद को लेकर चर्चा की गई थी। साथ ही हमीर सर्किल पर रक्त द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। बंद और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से श्री करणी सेना सरकार को अवगत कराना चाहती है कि वो राजपूत समाज सहित देश भर के लोगों की भावनाओं को समझे और फिल्म पद्मावत को पूरी तरह देश भर में बैन करे। इस अवसर पर उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इसके बावजूद भी फिल्म रिलीज की गई तो राजस्थान के सभी हेरिटेज स्थलों के द्वार बंद किए जा सकते हैं। इस मौके पर श्री राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह चितारा ने बताया। आज हमने सवाई माधोपुर बंद का आह्वान बुलाया था श्री राजपूत करणी सेना ने, तो सभी सार्वसामाजिक संगठनों को हमने अपील की थी कि सभी संगठन आगे आए, नारी अस्मिता के लिए आगे आए। तो हम नारी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, पूरा देश जल रहा है। नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहेंगे कि इस फिल्म की पद्मावती को बैन करें। पूरा देश इस जौहर की ज्वाला में जल रहा है, इस पद्मावती को बिल्कुल बैन कर दिया जाए। ये हमसे अपील है, हम आपसे हमारी अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, बिल्कुल इस फिल्म को हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम हम संदेश देना चाहते हैं इस हटीले अमीर की धरती से कि ये पूरा सवाई माधोपुर प्रथम जौहर जो यहाँ हुआ था, रंगा देवी ने किया था 1301 में, उसके बाद चित्तौड़ का दुर्ग में जो जौहर हुआ था, इस जौहर की ज्वाला को हम बिल्कुल नहीं, इसमें आहुति देने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। इस स्वाभिमान, इस अस्मिता की रक्षा के लिए बिल्कुल तैयार है। नारी की अस्मिता के लिए हम बिल्कुल रक्षा करने के लिए तैयार है। चित्तौड़ी धरती पे जहाँ 1600-1700 लेडीजों ने जहाँ जौहर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, यहाँ सवाई माधोपुर की धरती से भी नारियां पीछे नहीं रहेंगी। ये हमारा आपसे गुजारिश है नरेंद्र मोदी जी, इस फिल्म को बिल्कुल बैन करवा दीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जनता कर्फ्यू लगाएगी, उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार बिल्कुल जिम्मेदार होगी। इस बंसाली को बोरी बिस्तर बांधने के लिए मजबूर कर देंगे हम। बिल्कुल आपसे अनुरोध है कि बिल्कुल इस फिल्म को बैन करें, इस फिल्म को बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम। सभी सिनेमा वालों को हमने सूचित कर दिया है इस फिल्म को नहीं चलाएं। बिल्कुल राजस्थान में तो बिल्कुल इस फिल्म को नहीं चलने देंगे, हिंदुस्तान में भी फिल्म नहीं चलेगी। आपसे अनुरोध है इस फिल्म को बंद करें। और अभी थोड़ी देर में हमने अमीर हटीले की धरती पे सर्किल, हमीर सर्किल पे हमने रक्त से श्री राजपूत करणी सेना के नेतृत्व में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संदेश देंगे और अपने खून से उनको लिखा हुआ बैनर हम भेजेंगे, तो इस दौर की ज्वाला को हम बिल्कुल नहीं पूछने देंगे। वहीं स्थानीय निवासी मोहम्मद अशफाक ने श्री करणी सेना के बंद के आह्वान को लेकर कहा, मेरा भी सिर्फ इतना ही कहना है किसी भी समाज का, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का कोई भी किसी को ठेस नहीं पहुंचे, कोई भी हो, इस तरह की फिल्में बनाना नहीं चाहिए। और बिल्कुल हम सही के साथ हैं और ये बहुत ही गलत हुआ है। धन्यवाद।